हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे विकास लैब शेयर के बारे में। तो आज के दिन की मोमेंटम देखें तो करीबन दोस्तों 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के दिन की देखें तो लगभग गिरावट थी लगभग 2.5% के आसपास, ठीक है दोस्तों, जो करीबन देखे तो प्रीवियस क्लोज की बात करें 6.05 रुपये के आसपास इसका प्रीवियस क्लोज था। वहाँ से स्टॉक ने गिर के 5.90 रुपये के आसपास लो दिया, ठीक है। तो करीबन स्टॉक में 0.15 पैसे की गिरावट हुई, ठीक है, जो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को दोस्तों मिल भी जाती है, ठीक है। अब 5 दिन की चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 11.5% के आसपास रिटर्न इसने ओनली फॉर 5 दिन के अंदर निकाल के दिया दोस्तों। अब मंथली के चार्ट पैटर्न देखें तो आज से एक मंथ पहले भी ये स्टॉक यहीं ट्रेड किया करता था और आज के दिन भी यही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब 6 मंथली का रिटर्न देखें तो 6 मंथली में लगभग पैसा एक गुना इसने बना दिया है, थोड़ा रह गया, थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी साल भर की चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों 132.5% के आसपास रिटर्न इसने एक साल के अंदर दिया है, यानी 1.5 गुना पैसा बनाया दोस्तों। अब 5 वर्ष की देखें तो लगभग 121% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो लगभग यही ऑल टाइम का रिटर्न है 122% के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो आज के दिन की बात करें ओपनिंग की तो लगभग 6.15 रुपये के आसपास ओपन हुआ, 6.20 रुपये पे हाई गया और लो आया था 5.80 रुपये के आसपास, ठीक है। तो एक टाइम वैसे देखे ना तो लो भी अच्छा खासा गिर चुका था, फिर इसके बाद मोमेंटम बनी और वो मोमेंटम कहाँ तक गई थी, 6.20 रुपये के आसपास, ठीक है। तो वो मोमेंटम कोई अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी जो आई था इसके, देख लीजिए, और 5.80 रुपये इसका लो भी आया, ठीक है, और स्टॉक बीच में आगे एक ट्रेड करने वाला 5.90 रुपये पे अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि आने वाले फ्यूचर में कैसा स्टॉक हो सकता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ लोग डर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अभी भी 8-9 रुपये के आसपास, 8 रुपये के आसपास, 7 रुपये के आसपास बहुत लोगों ने क्वांटिटियां ख़रीदी है यहाँ पे। तो वो लोग सोच रहे हैं यार अभी तो गिरावट हो गई, दो दिन अपर सर्किट चला और उसके बाद में अभी गिरावट हो गई, क्योंकि 2 दिन का देखिए ना दोस्तों 10-10% का इसके अंदर अपर सर्किट लगा था, बहुत ही अच्छी तेज़ी आई इसके अंदर। और अब की आज के दिन के देखे तो ये दोस्तों मैं गिरावट नहीं बोलता क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है। तो करीबन देखे तो दोस्तों अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आने वाले आप 2 साल तक होल्ड करोगे ना इस स्टॉक में तो भाई साहब आप पैसा ही पैसा बना जाओगे। बाकी आपकी बात, मेरी बात मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, मेरा काम था बताना। देखो अब ये स्टॉक है ना फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो लगभग दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, अब रेवेन्यू देख लीजिए 106 करोड़ का है वो, ठीक है, ये दिसंबर का है, सितंबर में कितना था 67 करोड़ का, तो बढ़ोतरी हुई ना। और जनवरी की देखें तो लगभग कितना था 24 करोड़, ठीक है, और मार्च का देखें तो लगभग 2021 30 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आधे से ज़्यादा बढ़ चुका, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। नेट रेवेन्यू की बात करें, नेट इनकम की, तो लगभग 282 करोड़ के आसपास नेट इनकम मिल जाती है, और सितंबर में इसका कितना था ओनली फॉर 2.5 करोड़, ठीक है, तो ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। आप जनवरी की बात कर लीजिए, जून की नेट इनकम कितना था ओनली फॉर 33 लाख था, ठीक है। तो सोचो अगर 6 मंथ में अगर स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, अब दिसंबर की देखे तो लगभग बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और एक ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नेट इनकम की बात तो हमने कर ली, प्रॉफिट मार्जिन की देखे तो लगभग 264% के आसपास रिटर्न इसने निकाल के दिया है, और सितंबर की बात करें लगभग कहाँ चला गया, नेट इनकम देख लीजिए, अभी देख लिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो ओनली फॉर 3.7% के आसपास इसका रिटर्न था, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी भी आप देख पा रहे होंगे चार्ट पैटर्न में, आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्टॉक का फाइनेंशियली रिजल्ट, तो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टॉक में क्या कुछ हुआ, क्या मोमेंटम बनी, कैसे हुआ, तो वो लोग आप अभी ग्रो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। स्टॉक में एक क्या है कि तेज़ी देखने को मिल जाती है दोस्तों, अभी थोड़ी बहुत देखो गिरावट होगी क्योंकि
आपको भी पता है पिछले दो दिन में 10-10% के अपर सर्किट के अंदर भागा था, ठीक है। तो आज के दिन मंडे के दिन इसके आसपास 2.5% के आसपास गिरावट हो गई और आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट स्टॉक है, आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था देखो बताना। देखो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, पहले भी किया था, 10% भागने से पहले भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि दोस्तों बाय कर लो कर लो कर लो। मैंने बाय करने के लिए कहाँ सजेस्ट किया था दोस्तों, यहाँ पे 5.25 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम 5.15 रुपये के आसपास, ठीक है, मैंने बाय करने के लिए यहाँ पे भी सजेस्ट किया था करीबन 4.75 रुपये के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया, वो तो अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, बाय करो या ना करो, मेरा काम था पता ना, ठीक है। स्टॉक अच्छा है, लाइफ में रिटर्न अच्छा दे सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ, बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। उस पेनी स्टॉक का नाम है विकास लाइफ केयर शेयर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।